मैं भी उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में वापस स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट की एंट्री टैली पर किस तरह पास की जाती है, उसका एंट्री करने का सही तरीका क्या है। आइए देखिए टैली पर नॉमिनल अकाउंट की एंट्री कैसे की जाती है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉमिनल अकाउंट की एंट्री सिस्टम पे यानी टैली पे कैसे पास करना वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन सी एंट्री हमें पास करना है। नॉमिनल अकाउंट्स की एंट्री क्या होती है, जो मैंने इसका डिफिनेशन आपको बता दिया है। डिफिनेशन आप नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो में देखिएगा, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम टैली पे इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एंड बाई नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसका डिफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, तभी आपको एंट्री भी आपको सिस्टम पर समझ में आएगा। यहाँ पर रेंट एक्सपेंस यानी का रेंट पेड फॉर कैश ऑफ ₹5,000, यानी आपने ₹5,000 किराया भुगतान किया, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री होती है रेंट एक्सपेंसेस DR ₹5,000 टू कैश। अब इसकी एंट्री हम टैली पे कैसे पास करेंगे, तो स्टूडेंट वापस हम टैली पे चले जाते हैं। पहले से मैं ऑलरेडी कंपनी अपना बना रखा हूँ, तो हम बस इसमें अपना कंपनी बना हुआ है। लेजर हमें पोस्टिंग करना है, इसमें लेजर को हम क्रिएट कर लेते हैं। लेजर हमें किस नाम है, दो लेजर ऑलरेडी पहले से बना होता है, एक कैश और PL, जैसे मैंने पहले बताया था एक कैश PL टैली ऑलरेडी बना होता है। इसके अलावा जो भी नए खाते रहेंगे आपको बनाना पड़ेगा, तो हमें बनाना होगा किसका, रेंट के नाम से। रेंट एक्सपेंसेस आप जरूर लिखिएगा, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डाल दिया इसमें। तो रेंट एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये स्थायी खर्चा होता है बिजनेस का, जो स्थायी। मैंने इसका डिफिनेशन आपको पहले समझाया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है, तो अगर अभी आपने नहीं लिखा तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो ये हमारे बिजनेस को जो स्थायी एक्सपेंसेस होते हैं उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, जो PL अकाउंट से अटैच होते हैं। तो ये हमारे इनडायरेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज करके। एंड नीचे राइट साइड से देखिएगा, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, ये सारे ऑप्शन नो कर दीजिएगा, अभी हमारे कोई मतलब का नहीं है। इसको नो करके एंड डेटा को सेव करा लीजिएगा, ठीक। एंड दूसरा जो एंट्री आपके सामने दिख रहा है, एंड यहाँ पे लिखा कमीशन रिसीव, लिखा ना स्टूडेंट, कमीशन रिसीव फ्रॉम अमित ऑफ ₹4,000, अमित से कमीशन प्राप्त हुआ, इसकी एंट्री आपके सामने। कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन रिसीव अकाउंट, नेशनल लिख दिया बीन कमीशन रिसीव फ्रॉम अमित, तो आप इसका भी लेजर बना लीजिए इस यहाँ। तो हम यहाँ किसका बनाएंगे, कमीशन नाम से बनाएंगे, कमीशन रिसीव के नाम से बनाएंगे रिसीव अकाउंट। और ये हमें मिलना है स्टूडेंट, तो ये हमारे बिजनेस के लिए हुआ इनकम हुआ है, ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इसका भी मैंने डिटेल में समझाया था कि इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या क्या होता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम में क्या अंतर होता है। इंटर एंड इससे भी इससे ये नीचे जो बॉक्स हो इसको ऑप्शन नो कर दीजिएगा और डेटा को सेव करा लीजिएगा। तो अब इसकी बिल बनाने के लिए वापस हम स्केप कट जाएंगे, वापस हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग बहुत चल जाएंगे। बिलिंग करने से पहले मैंने आपको समझाया था कि अल्टर एफ टू करके फाइनेंशियल डेट को, जब भी बिलिंग करिए फाइनेंशियल डेट को सुधार कर लीजिएगा। तो फाइनेंशियल डेट हमारा 1/4/2020 है और 31/3/2021 का यह हमारा डेट है स्टूडेंट। करंट डेट को चेंज कर लीजिएगा एफ टू से, ये डेट हमारा चेंज हो गया आपका। अब हमारा पहला एंट्री, भाई पैसा मैं दे रहा हूँ, भुगतान कर रहा हूँ, तो जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ जो पैसा दे रहा हूँ ये हमारे लिए पेमेंट होता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पेमेंट वाउचर हमारा सेलेक्टेड है, यहाँ पे पेमेंट वाउचर आप चूज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा पेमेंट करना भी है, पेमेंट लिखा हुआ आता ऊपर, एंड एंटर करिएगा। तो हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, रेंट को कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कितना कर रहे हैं अमाउंट देख लीजिएगा जाके, ₹5,000 मैं रेंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ₹5,000 आप टाइप कर दीजिए, ठीक। कैश दे रहे हैं, यहाँ कैश सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर, नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग रेंट पेड फॉर कैश, ये नेशन लिख दिया स्टूडेंट, नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन को जरूर लिखा कीजिए, एंटर एंड सेव। दूसरा एग्जांपल आपने स्टूडेंट लिखा गया कि पैसा मुझे प्राप्त हुआ है, यानी कमीशन मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, तो इसकी एंट्री प्राप्त करने की एंट्री आपको पता है रिसीव में करते हैं, यानी F6 फंक्शन का नाम उसका, F6 बेस करेंगे, क्रेडिट साइड ऊपर आ जाता है रिसीव में। एंड किससे मिल रहा है मुझे कमीशन, रिसीव यानी हमें कमीशन किसी भी से मिले, किसी भी व्यक्ति से मिले, उसको हम नहीं देखते कि क्या है मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन मिल रहा है मुझे, हमें कमीशन मिला है ₹4,000। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ, इसको कल ही मिटा दीजिएगा, ये ₹4,000 यहाँ लिखा है ना, 4,000 कैश अकाउंट दिया टू कमीशन, ₹4,000 आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है। एंड यहाँ पे 4,000 मैंने लिखा है, यहाँ पे एंटर टू कैश, नरेशन इसका लिख दीजिएगा बीइंग कैश या सॉरी बीइंग कमीशन रिसीव
ये फ्रॉम या फॉर कैश कर दीजिए, बहुत है। जितना अच्छे से नरेशन आप जैसे लिखना चाहें अपने से बना के आप लिख सकते हैं, एंटर एंड सेव्ड। ये एंट्री हो गई स्टूडेंट आपकी रियल अकाउंट का। इसका स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो वही तरीके से आप जाइए डिस्प्ले में जाइएगा एंड डे बुक, ये आपका जनरल एंट्री आपके स्क्रीन पे आ गया। तो रियल नॉमिनल अकाउंट की एंट्री ऐसे पास की जाती है सिस्टम पे, आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो स्टूडेंट आपने देखा तो नॉमिनल अकाउंट की एंट्री टैली पे कैसे पास की जाती है, उसे पास करने का सही तरीका क्या है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया है। तो वीडियो समझ में आया है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगला वीडियो पाने के लिए यानी सबसे पहले आपके पास आए तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। मिल धन्यवाद।